बेशक कुछ नहीं पता उसको, लेकिन वो एक ही बात बोलता है कश्मीरी की, टूटने नहीं देंगे, बच्चे से लेके बूढ़े तक को पूछ लीजिए, उसके माइंड में ये है कि हमने टूटने नहीं देना। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ 35A है क्या। 35A जो है वो 1954 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को एक खास पावर दी थी, जैसे महाराजा ने दी थी ना 370, वैसे ही प्रेसिडेंट ने दी कि यहाँ पर कोई भी बाहर का व्यक्ति आके ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई भी बाहर वाला आके नौकरी नहीं कर सकता, प्लस अगर कोई लड़की बाहर शादी करती है तो उसका खरीदने की पावर ख़त्म हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जवाई बन के ज़मीन खरीद ले, लड़कियां बाहर शादी करेंगी और ज़मीनें, मतलब ये 35 से सिर्फ महाराजा ने इसलिए बनाया था कि हमारे जम्मू के लोग बड़े सीधे साधे लोग, हम लोग बाकी छोड़ो बिहारियों से मुकाबला भी नहीं करते, इतने सीधे साधे लोग हैं, इसीलिए उस टाइम महाराजा ने ये शुरू किया था। आज इतना इम्पोर्टेंट है, हर जगह डिस्कशन हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार हमें पार्टी से अलग भी बोलना पड़ता है। अब पार्टी तो खड़ी है कि वो हम हटाएंगे, क्यों हटाएंगे मैं बताऊंगा, क्योंकि बचाने के लिए उसके पास जम्मू कश्मीर है, लेकिन लेने के लिए उनको पूरा हिंदुस्तान है। उन्होंने 300 सीटों की बात करनी, आपकी 2 सीटों की बात नहीं करनी। अगर जम्मू से आप लोग नहीं भी वोट डालोगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पूरे इंडिया के लिए काम कर रही है, नेशनल पार्टी है ना। तो आज मैं बताना चाहूँगा, इसमें मेरा रुख ये है कि हटना नहीं चाहिए, अगर हट गया ना तो जितने भी नौजवान बैठे हुए हैं ना ये बैठे ही रह जाए, ना नौकरी मिलनी है, वो तो आपको पता है कितनी नौकरी मिलती है, वैसे भी नौकरी अगर ये कहीं कल को काम करने भी जाएंगे ना, इनको प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलेगा, कहीं प्राइवेट जॉब भी वो लोग कर लेंगे। अगर कोई अपना मकान बनाने के लिए ज़मीन लेना चाहेगा उसको ज़मीन भी नहीं मिलेगी। आज जिस ज़मीन का रेट 1 लाख रुपये मरला है, उसी ज़मीन का रेट 10 लाख रुपये मरला रातों रात हो जाएगा, क्योंकि हमारे लोगों के इतने पैसे ही नहीं है कि वो कम्पीट कर सके। आज जो रेडी लगाता था वो यहाँ मालिक बन के बैठ जाएगा, आपके मीरा साहब वो खरीद लेगा, आपके इलाकों में खरीद लेगा, क्योंकि बाहर पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, एमपी से, यूपी से बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आप बताइए, आप में से कोई कश्मीर जाके दुकान खोलना चाहता है? आप ही बता दीजिए, आप लोग जम्मू कश्मीर को अच्छे से जानते हैं, कोई दुकान खोलना चाहता है? कोई नौकरी करना चाहता है वहाँ पर? कोई नहीं करना चाहता। हमें हालात पता है, जो बाहर के लोग हैं जिनको पता है जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, जम्मू में शांति है, कश्मीर में मिलिटेंसी, कोई जाएगा? 35 से हटेगा तो उसका सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा? जम्मू को, और पर्टिकुलर जम्मू डिस्ट्रिक्ट को। आपको ये रोड साइड कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, सांबा साइड, हाईवे साइड कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, सर्कल रोड बन रही है ना, इसके आसपास जितनी दुकानें हैं, जितनी ज़मीनें हैं, सब वो लोग खरीद लेंगे। आप लोग रेडी भी नहीं लगा सकते, रेडी भी वही लोग लगाएंगे, मालिक भी बन जाएंगे, नौकरियां भी वही लोग करेंगे, हम लोग कुछ नहीं, डोगरे ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी जम्मू के डोगरे हो गए, हम लोग बैठे हुए ना, जितने भी डोगरे हो गए चाहे दूसरे लोग हो गए, सारे ख़त्म हो जाएंगे। इस कारण क्या है कि पार्टी का स्टैंड कुछ और है, क्योंकि उनकी राजनीतिक फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है कि गुजराती हो गए, मराठी हो गए, पंजाबी हो गए, उनको ये इन्होंने फ़ायदा देना है कि आपको ज़मीन खरीद सकते हैं। सर इस वक्त रेशो क्या है, जैसे कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, उधर के यूथ को कितनी मिल रही है, जम्मू के यूथ को कितनी मिल रही है, ये आप मैं बता सकता हूँ। इसका रेशो क्या है ना, पहले जब मैं विधायक नहीं था ना, मैं आपके तरह सोचता था कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। एक जॉब निकलती है साइंटिस्ट की, ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन है PhD, कश्मीर में 5 कैंडिडेट मिलते हैं, जम्मू में एक भी नहीं मिलता। जब रिजल्ट निकलता है उसको, फलाना अली मोहम्मद खान सन ऑफ दिस सिलेक्टेड इन PhD, हमारे मन में क्या आता है, वो यार जम्मू के साथ भेदभाव, कश्मीरी जॉब ले गए, भैया जॉब इसलिए ले गए ज़्यादा क्वालिफाइड है वो लोग, एलिजिबिलिटी है उसके पास। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी हमसे ज़्यादा आगे पढ़ाई लिखाई में, पैसे में, काम करने में, मेहनत में। चपरासी की जॉब मिलती चपरासी कर लेते, सफाई की जॉब मिलती सफाई कर लेते, लेकिन हम लोग पहली पोस्ट मांगते हैं DC की, कि DC लगना है तो लगना है, करनी नौकरी। लेकिन वो लोग प्राइवेट नौकरियां भी कर लेते हैं, दुकानें भी खोल लेते हैं, सरकारी भी कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपना काम निकालने के लिए वो लोग मिलकर पत्थर भी मार लेते हैं, पत्थर मारने का अपने केस भी नहीं पढ़ने देते। और हम लोग जब श्राइन बोर्ड का मसला हुआ था, बम बम बोले, उस टाइम के केस पड़े हुए आज तक नहीं अलग हुए। 3.5 साल गवर्नमेंट BJP की भी हो गई, सेंटर में 5 साल की भी हो गई, लेकिन आपके अमरनाथ भूमि आंदोलन के
किसी भी बंदे को कोई मुआवजा नहीं मिला, ना उनके केस वापस हुए। ये है जम्मू वालों की औकात। कोई भी दिल्ली सरकार आ जाए, बड़े बड़े वादे सारे करेंगे। आज बीजेपी कहती 370 तोड़ देंगे। आज जम्मू कश्मीर में क्या लगा हुआ है? राज्यपाल शासन। इसका मतलब क्या होता है? किसका हुक्म चल रहा है? दिल्ली का चल रहा है। तो दिल्ली में सरकार कौन सी बैठी हुई है? बीजेपी बैठी हुई है। रैलियों में तो खड़े होकर छाती ठोके बड़ा बोलते हैं 370 हटा देंगे एक बार आगे पावर में। 5 साल तो हो गए थे पावर में, क्यों नहीं हटाई? हटानी होती थी। सिर्फ सपने दिखाकर बाकियों से वोट ले लेते हैं, लेकिन 35 से हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कश्मीर को तो नुकसान ही कोई नहीं 35 में। अगर वो हट भी जाएगा, नुकसान तो जम्मू वालों को है, लेकिन हमारी लड़ाई भी वही लड़ रहे हैं। मना करने वाले कश्मीरी हैं। जम्मू के लोग मैंने देखा कि फेसबुक पे जगह जगह लिख रहे हैं नहीं हटना चाहिए। सबसे नुकसान जम्मू वालों को है, सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू वालों। आज से जम्मू के बारे में, क्योंकि लोग हम लोग चर्चा नहीं करते हैं इस चीज की, आप लोग चर्चा करो इस चीज की और जोर की आवाज उठाओ अपनी, ताकि कोर्ट तक पहुंचे। बीजेपी में इतना दम नहीं है कि वो अपनी पावर में रहते हुए इसको हटा सके। डरती है वो कि हटने के बाद लोग क्या करेंगे। कश्मीर में बंदूक एक दिन में नहीं उठी। अगर इसके पास कोई जॉब नहीं है, ये दुकान नहीं खरीद सकता, इसको बार बार आकर थाने में पेशी होनी पड़ती। कभी आर्मी वाले उठा के ले जाते हैं, कभी थाने में बुला लेते हैं, ना कोई जॉब है इसके पास। तो एंड में क्या बचेगा इसके पास? आ जाके इसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, बंदूक उठाना। तो कश्मीर में मिलिटेंसी जो हुई है, ये वजह है। और जम्मू में जब जॉब नहीं होगी ना, ना वे बिजनेस कर सकेंगे ना, तो जम्मू के लोग भी बंदूक उठाएंगे, पत्थर मारेंगे।